कमेंट भी आया था कि आप ड्राइवरी कब से कर रहे हैं, तो उस समय मात्र 800 रुपया में लाइसेंस बनाए थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह तो हो गया, रात में ही आ गए थे रायपुर, अभी खड़े हैं हीरापुर में, जा रहे हैं कहीं चाय पीते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे। अभी कोई काम है नहीं वैसा, टायर लगाने का, तो अगर मिल जाता टायर तो लगा लेंगे, तो लगा फिर निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, जा रहे देखते हैं, सेठ जी भी आए नहीं हैं तो 10 बजे तक आते हैं, आने के बाद फिर मिलते हैं उनसे। दोस्तों यहाँ हीरापुर में छठ तालाब में बैठे हुए हैं, बहुत आनंद लगता है यहाँ, बहुत सुकून मिलता है दिल को एकदम। रोड से शोर शराबा हल्ला गुल्ला से यहाँ आके बैठे आदमी शांत से, तो बहुत अच्छा लगता है एकदम, मन को बहुत शांति मिलता है। यहाँ मंदिर भी है, पेड़ भी है, पुराना बर का पेड़ है, लोग यहाँ पूजा वूजा भी करता है, बहुत अच्छा कुर्सी वर्सी बना दिया है बैठने के लिए, मतलब इतना सुकून लग रहा है ना कि आदमी यहाँ ऐसा लगा दिन भर बैठा रह जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी नहाने धोने के प्रोग्राम कर रहे हैं, देखते हैं अगर समय मिल जाएगा तो यहीं पे नहाएंगे अभी, देखते हैं दोस्तों कितना देर लगेगा समय अभी अपना सेट का आने के बाद। दोस्तों सेट से तो मुलाकात हो गया मेरा, तो हिसाब से सब हो गया है, टायर लगाना है, एक नया टायर बोल रहे हैं कि लगा लो आगे, ये टायर थोड़ा घिस गया ज़्यादा इसलिए चेंज कर रहे हैं, तो टायर का थोड़ा सा काम पड़ गया है ज़्यादा, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ रहा टायर को, तो थोड़ा समय लग जाएगा यहाँ पे भी, तो एक टायर का बात रहता तो करके निकल जाते हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं करो करो, तो अभी सेट है जो बोलता है करना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये टायर को पीछे करना है, पीछे वाला आगे करना है, यही सब काम कराना है अभी, उसके बाद निकलेंगे फिर यहाँ से, देखते हैं फिर आगे कब तक निकल पाते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 बज जाएगा यहाँ से निकलने में, फिर कराते हैं पहले। दोस्तों टाइम तो 2 बजने वाला है, तो चले खाना खाने यहाँ ढाबा पे, समय तो मिला नहीं आज क्योंकि टायर का भी काम था, तो रोहित अभी कर ही रहा है, तो हम आ जाएंगे फिर उसको भेजेंगे, बाकी काम थोड़ा हम भी करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चले हम लोग खाना खाने आते हैं, खाना खा के। दोस्तों होटल में तो आ गए, खाना खाने का ऑर्डर भी मार दिए हैं, इधर होटल में क्या कि ऑर्डर ही बोलता है कि ऑर्डर कुछ दे दिए तो ऑर्डर मार दिए ऐसे बोलता है सब आदमी, तो हम लोग भी उसी भाषा में बात करते हैं कि ऑर्डर मार दिए। ठीक है दोस्तों, अभी सोच रहे हैं उसका खाना पार्सल लेके जाएं, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है वहाँ से गाड़ी के पास से, हम इतना दूर तो आ गए हैं, तो इतना दूर में टाइम उसको भेजेंगे, अभी टायर भी कर रहा है, थक भी जाता आदमी, तो देखते हैं उसका पार्सल ले जाएंगे यहाँ से, हम लोग खा लेते हैं फिर उसके पार्सल ले जाएंगे। दोस्तों ये हमारा खाना आ गया ऑर्डर, अजमन किया पालक, और ये साथ में थोड़ा बहुत पनीर है, पालक पनीर। ठीक है दोस्तों खाते हैं। दोस्तों अपना तो खाना पीना हो गया, उसका लिए पार्सल ले लिए, तो गाड़ी पास से दूर पड़ता तो हम काहे के लिए आए यहाँ, ले जाते हैं गाड़ी पे भी थाली वाला सब आई है, वहीं खा लेगा, निकलेंगे फिर जब ना कोई काम तो सर और रहा बचा नहीं, उधर भी सफ़र काटना है अभी। ठीक है दोस्तों चलते हैं गाड़ी के पास।
दोस्तों काम तो अपना हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो गया, टायर आगे पीछे सब करना पड़ गया। नया टायर का था, वो बोले कि आगे लगा लो, पीछे पुराना वाला पीछे कर दो। चलो ठीक है, अपना समय था आज कर लिए, और तो कोई काम था नहीं। तो शाम के करीब 5 बज गया है ये सब करते हुए। तो अभी लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं कहाँ पर जा सकते हैं। कहीं इधर का तो महाराष्ट्र में क्या है, कहीं भी रात में चलो 4 लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर थोड़ा सा दिक्कत है, रास्ता ख़राब है, कहाँ रुकना है ये देखना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं खरसिया तक तो पहुँचेंगे ही, उम्मीद को किए हैं। अब गाड़ी वाला तो कुछ टाइम देने, इसी चलते हम कई लोग कमेंट करते हैं कि आप समय बताइए कि कितना बजे नागपुर पार कीजिएगा या लातूर पार कीजिएगा, तो नहीं बता पाते हैं। क्योंकि अगर आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा और मेरे गाड़ी में कोई टायर पंचर हो गया, कहीं जाम लग गया, तो खामोखा आप कोई परेशानी होगा, इंतज़ार करेंगे तो कह रहे यार बोल करके आया नहीं, तो ये सब थोड़ा ठीक नहीं लगता है। स्पोर्ट में मिल जाते हैं तो उसमें मज़ा कुछ और आता है। कई लोगों से मुलाकात होते रहता है नागपुर में हो या रास्ते में कहीं भी, और कई लोग मिलने के बाद बोलते हैं कि हम कमेंट किए थे कि आप कब पार कीजिएगा, तो हम नहीं बता पाते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ भी दिक्कत है। अगर हम बता देंगे तो हम नहीं पहुँच पाए समय पर, तो आपका भी समय नुकसान, हमको भी तकलीफ़ लगेगा, आपको भी तकलीफ़ लगेगा कि लगता है पार हो गए। आपको फिर दूसरे दिन पता चलेगा वीडियो में, अरे उनका गाड़ी का तो टायर पंचर हो गया था या वहाँ जाम में खड़े थे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। कहीं ना कहीं रास्ता में तो मुलाकात, हम तो रोड पर ऐसा है कि मुलाकात होते ही रहता है, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ से सफ़र कट रहा है। दोस्तों रायपुर से तो निकल गए हैं, शाम के 5:30 हो ही गया है, लेट हो गया वहाँ पे। लेट होने का कारण था कि अपना सेठ से तो मुलाकात हुआ ही, और साथ में उनका जो बड़े भाई हैं जो पहले भी मिला चुके हैं उनसे, उनसे भी मुलाकात हुआ। तो कभी काल वहाँ मतलब भेंट मिल जाते तो मिल लेते हैं साथ में, क्योंकि लोगों से हम गाड़ी वाला से जल्दी कहाँ कोई मुलाकात हो पाता है। एक कमेंट भी आया था कि आप ड्राइवरी कब से कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा लाइसेंस जो 98 का बना हुआ है, तो उससे 5 साल पहले से हम ड्राइवरी कर रहे हैं, क्योंकि उस समय लाइसेंस का उतना नहीं ध्यान देता था लोग, खाले ड्राइवर ना ड्राइवर। तो मेरा लाइसेंस तो मतलब ऐसा बना था, मात्र 800 रुपया में लाइसेंस बनाए थे हम, 800 रुपया मेरा लाइसेंस बना था। और अभी सुनते हैं 25,000, 30,000, 35,000, तो सुन के तो हालत ख़राब होता है। नहीं तो मेरा लाइसेंस 800 रुपया में बना है, 1998 में, 98 में बना था मेरा। तो उस समय से ड्राइवरी कर ही रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जब से हम ड्राइवरी कर रहे हैं, और मेरा अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा, तो जब से हम लाइसेंस बना है उससे 5 साल पहले का है, तब से मात्र सारा टोटल मिलाने के बाद 6 महीना या साल भर मेरा छुट्टी मिलेगा। कभी 2 दिन के लिए, कभी 4 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, इस टाइप का मेरा मतलब छुट्टी है। कभी ये नहीं देखिए कि 1 महीना हम घर पर हैं, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि जब तक हाथ पर चल रहा है इंसान को काम करना चाहिए। हम शौक के लिए कभी छुट्टी नहीं मारते हैं कि मेरा शौक है यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ हमारा ये शौक नहीं है। हम काम करेंगे, हमारे जो रिश्तेदार है, परिवार है, वो घूमेगा, हम मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, सफ़र काट रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में जानते हैं रोड पे थोड़ा जानवर ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है जानवरों पे। तो गाड़ी लेके तो रोड पे जरूर चलते हैं, तो रोड पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उन लोगों को।
दोस्तों अभी हम लोग चापा पहुँचे हैं, रात के 11 बज गया है, तो खरसिया जाते तो 12 बज जाए तो वहाँ होटल बंद हो जाएगा, तो इसलिए सोच रहे हैं खाना वाना खा लें। अभी खाना खा लेते हैं, देखते हैं आगे प्लानिंग। यहाँ पर भी बहुत सा गाड़ी खड़ा है, गार्ड भी है, ये सब रोड में जानबे करते हैं, थोड़ा गड़बड़ है, डीजल चोरी ज़्यादा इधर है, तो जगह देख के रोकना पड़ता है वैसा। तो ठीक है, यहीं पर भी ऑटो मारे हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे जैसा प्लानिंग होगा करेंगे, हो सकता है यहीं सो जाए। ठीक है दोस्तों, पहले खाना खाते हैं फिर अपना डिसाइड करते हैं। दोस्तों मेरा ऑर्डर आ गया है, आज रहर दाल मारे हैं, कुछ सब्ज़ी समझ में आया नहीं, काफ़ी रात हो रहा है, दाल ही खा लेते हैं। दाल में कुछ और ही मज़ा है, तो जल्दी बनाते नहीं है गाड़ी में ना, इसलिए होटल में दाल ही मार लेते हैं ऑर्डर। फिर उसको खाक बनाते हैं, दोस्तों खाना वाना खाते तो 12 बज गया, तो वैसे भी आया था रास्ता में तो 2 बार बिल्ली काट गया रास्ता, तो बिल्ली वगैरह जब रास्ता काटता रात में तो थोड़ा हम लोग को टेंशन हो जाता है। ऐसे भी बहुत लोग मानता है कि बिल्ली वगैरह रास्ता काट तो नहीं चलना चाहिए, रुक जाना चाहिए, तो हमारा भी इरादा चेंज हो गया, 12 ही बज गया, खाना वाना खाते हैं तो यहीं पर सोते हैं, यहाँ सुबह उठ के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।